फ्रेंड्स, मैं हूं तस्नीम और द कंप्लीमेंट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके साथ करने जा रही हूं, वो है एक बहुत ही एसेंशियल मेकअप टूल जो कि आपकी रोज की मेकअप के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपके लिए लाई हूं ये रियल टेक्निक्स के मेकअप ब्रशेस और स्पॉन्ज। ये 5-in-1 सेट है। तो चलिए मैं आपको ये ब्रश की जानकारी भी देती हूँ और ये कौन से यूज में आते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसकी पैकेजिंग है, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। अब इसे ओपन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारे ब्रशेस। तो चलिए हर एक ब्रशेस के बारे में आपको जानकारी देती हूँ बारी बारी से। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे मेकअप की डेली नीड्स, ये ब्रशेस और ये स्पॉन्ज। इसके बिना हमारा मेकअप अधूरा है क्योंकि ये जो हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छे फिनिश देते हैं और बहुत ही स्मूथ लुक देते हैं। तो पहले तो मैं आपको इस ब्रशेस की क्वालिटी के बारे में बता देती हूँ। ये ब्रशेस जो है वो एंटी माइक्रोबियल है और इसके जो ब्रिसल्स है, ये देखिए, वो सिंथेटिक ब्रिसल्स है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमारे फेस पर ये हार्ड नहीं लगेंगे। इससे एप्लीकेशन बहुत ही इजी रहेगा और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस ब्रश के बारे में जानकारी देती हूँ। तो ये है ब्लश ब्रश, इसका नंबर है 400। तो ये ब्रश जो है वो पाउडर ब्लश के लिए है। तो इससे जो पाउडर ब्लश है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, इवनली ब्लेंड होगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा और नेचुरल फिनिश भी देगा। क्योंकि ये जो ब्रश है वो आप देख सकते हैं राउंड ब्रश है और बहुत फ्लफी भी है। तो ये है 402 सेटिंग ब्रश। तो ये जो है वो हाइलाइटर और पाउडर को अप्लाई करने के लिए है जो कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देगा हाइलाइटर को और सेटिंग पाउडर को और एक ल्यूमिनियस इफेक्ट देगा। और ये जो ब्रश है वो सॉफ्ट भी है और इसके ब्रिसल्स फ्लफी है जिसकी हेल्प से ये बहुत ही इजीली हाइलाइटर वगैरह को अच्छे से ब्लेंड कर देता है। ये है 300 डिलक्स क्रीज ब्रश। ये आप देख सकते हैं, इसके ब्रिसल्स जो है वो डेंस है और फ्लफी भी है जो कि हमारे आई शेडो के एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप इससे पाउडर आई शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं और क्रीम आई शेडो भी इससे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों के लिए। और इससे आई शेडो जो हमारे हैं वो बहुत ही अच्छे से क्रीज के अंदर ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत ही नेचुरल लुक देता है और नेचुरल फिनिश देता है। तो ये है 200 एक्सपर्ट फेस ब्रश। ये फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही डेंस ब्रश है और फॉर्म भी है, लेकिन इसके ब्रिसल्स जो है बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन ब्रश है ये दोनों फाउंडेशन के लिए है, चाहे आप क्रीम फाउंडेशन यूज करते हो या आप लिक्विड फाउंडेशन यूज करते हो। ये फाउंडेशन ब्रश हमारे फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देता है बिना कोई स्ट्रिक छोड़े और बहुत अच्छे से और फास्ट ब्लेंड कर देता है ये, और ये फ्लॉलेस नेचुरल फिनिश देता है। तो ये ब्रश बहुत ही इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन के लिए। और ये है मिरेकल कॉम्प्लेक्सन स्पॉन्ज, ये फाउंडेशन के एप्लीकेशन के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शेप है इसका फ्लैट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रिसाइज टिप है इसकी और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन हो वो इवनली हो सके। जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स है वहाँ पर ये इसकी टिप जो है वो जा सकती है और अच्छे से ब्लेंड कर सकती है, और जो हमारे फेस के फ्लैट एरियाज है वहाँ पर हमें इसकी हेल्प से ब्लेंड करना है। और बहुत ही इवनली ये ब्लेंड होता है और बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है ये, और एक शाइन भी देता है। आप इसे दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ड्राई और वेट। आप इसे ड्राई यूज कीजिए, अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप इसे ड्राई यूज कीजिए, और आपको अगर यूवी ग्लो चाहिए तो आप इसे गीला करके यूज कीजिए। इसे गीला करना है और फिर इस तरह से इसे निचोड़ लेना है और फिर इसे फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। और अब मैं आपको इन ब्रशेस और स्पॉन्ज को वॉश करने का भी तरीका बता देती हूँ। ब्रशेस को या स्पॉन्ज को अगर आप डेली यूज करते हैं तो आपको वीक में एक बार तो इसे अच्छे से वॉश करना ही है ताकि आपके फेस को एक क्लियर मेकअप मिल सके। तो इसको कैसे वॉश करना है उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए कोई भी एक ब्रश से मैं आपको बता देती हूँ उसको कैसे करना है। हमें कोई भी क्लींजर या फेस वॉश या शैम्पू आप ले सकते हैं, और यहाँ फिर टूल को क्लीन करने का क्लींजर भी आता है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे आपने फेस वॉश ले लिया, आपको फेस वॉश को लेना है और पानी के अंदर फेस वॉश को मिलाना है, और ये जो टिप है वो आपको पानी में डालनी है इस तरह से, और उसको फिर इस तरह से घुमाना है। आपको ब्रश को इस तरह से वॉश नहीं करना है क्योंकि पानी जो है वो यहाँ से ये हैंडल में चला जाएगा तो सही नहीं है।
तो आपको ब्रश को इसी तरह से वॉश करना है और फिर हल्के हाथ से आपको इस तरह से इसको वॉश करना है और फिर पानी से रिंस कर देना है अच्छे से। जब हम इस ब्रश को वॉश करेंगे उसके बाद इसके ब्रिसल्स जो है, रिंस करने के बाद इसके ब्रिसल्स जो है वो हमें शेप में लाने हैं, बराबर से शेप में लाने हैं। फिर इसको टॉवल पे ड्राई करना है और फिर इसे एयरी प्लेस पे रखना है और स्पंज को आपको पहले गीला करना है और फिर फेस वॉश से इसे वॉश करना है, ठीक है, और फिर पानी से इसे रिंस कर लेना है और फिर वैसे ही इसे टॉवल से थोड़ा सा हल्का सा इसे सुखाना है और फिर कहीं एयरी प्लेस पे इसे रख के ड्राई होने देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रियल टेक्निक्स के 5-in-1 सेट को खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इस ब्रशेस को खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा उस पर आपकी प्रीशियस कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।